नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने लाया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सिटी जिसका नाम है फकटानी। जी हाँ, न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में ही है और ये जो सिटी है न्यूजीलैंड के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। तो आज हम घूमेंगे फकटानी की गलियों में और खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या स्पेशल है सिटी के अंदर। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सिटी और ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों फकटानी जो है न्यूजीलैंड की बे ऑफ प्लंटी स्टेट में ईस्टर्न साइड पे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है जो कि फकटानी रिवर के ऊपर है। इसका नाम फकटानी रिवर के कारण ही है और ये टोरंगा से 90 किलोमीटर और रोतरवा से 89 किलोमीटर दूर है। और इस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो नियरली 38,000 के आसपास है। फकटानी को न्यूजीलैंड की सनीएस्ट सिटी बोला जाता है और ये बहुत ही फेमस है इसकी खूबसूरती के लिए और फिशिंग के लिए। इस सिटी में काफ़ी दूर दूर से लोग फिशिंग के लिए आते हैं क्योंकि इसके आसपास जो सी पड़ता है उसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फिश पाई जाती है। यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ टाइप है, टाइप क्या पहाड़ी है, उसमें से काट के क्या खूबसूरत रास्ता बनाया हुआ है। और अगर आपने व्हाइट आइलैंड के बारे में सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि व्हाइट आइलैंड जो है फकटानी से सबसे नज़दीक पड़ता है। वहाँ पे अगर आप कभी फ्यूचर में जाने का प्लान करें तो आप यहाँ से बोट लेके व्हाइट आइलैंड भी जा सकते हैं। फकटानी बेसिकली एक बिजनेस टाउन है, इट्स नॉट अ टूरिस्टिक टाउन लाइक रोतरवा, बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत वॉक मिल जाएंगे आपको और बहुत ही उम्दा लुकआउट है इसके आसपास। और इसके पास में एक बहुत ही खूबसूरत बीच भी है जिसको अहोपी बीच के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अब मैंने अपना कैमरा जो है मस्त कार के ऊपर फिट कर लिया है क्योंकि कार के ऊपर कैमरा लगा के मैं सिटी का आपको ज़्यादा पार्ट दिखा सकता हूँ इंस्टेड ऑफ बाय वॉक। पैदल चल के शायद मैं आपको इतना नहीं दिखा पाता। और ये जो रोड आप देख पा रहे हैं ये फकटानी की मेन रोड है, यहीं से फकटानी सिटी में एंटर किया जाता है। और ये सामने फकटानी का फायर स्टेशन है। ये रोड भी मेन रोड है क्योंकि इसके ऊपर फिल स्टेशन, कार्स के शोरूम और जो बड़े बड़े जो ग्रोसरी स्टोर हैं काउंटडाउन, वो सब इस रोड के ऊपर ही हैं। और दोस्तों यह है फकटानी का सिटी सेंटर। बहुत सारे लोग नहीं देखे जा सकते जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, कोरोना के कारण लोग जो हैं अपने घरों में ही रहते हैं। जब उनको कोई इम्पोर्टेंट काम होता है तभी वो घर से बाहर निकलते हैं। इस चीज़ के लिए मैं न्यूजीलैंड के लोगों को बहुत अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि उन्होंने जो कोविड के अंदर जो है अपना रोल बहुत अच्छी तरह प्ले किया और उनके रोल के कारण ही न्यूजीलैंड जो है कोविड से अच्छी तरह डील कर पाई है।
फाकटानी जो है वो भी चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत शहर है न्यूजीलैंड का। और इस सिटी को सनी सिटी भी बोलते हैं। और फाकटानी का जो सिटी का जो ये साइड है, यहाँ से ये सी के साथ टच हो जाती है। प्रॉपर सी तो नहीं है बट इट्स अ पार्ट ऑफ सी। यहाँ पे जो लोग हैं अपने बोट्स वगैरह जो पार्क करते हैं, क्योंकि ये सी के साथ ज़्यादा टच नहीं होता, एक नहर टाइप की है, तो यहाँ पे ज़्यादा वेव्स वगैरह नहीं आती होंगी, इसलिए लोग अपनी बोट्स वगैरह जो है यहाँ पे पार्क करते हैं। पर इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो जगह है वॉकिंग के लिए बहुत ही शानदार है। और अगर आप इस वॉक को फॉलो करते हुए चलते जाएंगे तो धीरे धीरे जो ये है वॉक जो है समुद्र के पास जाके ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से जो है प्रॉपर सी स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये फाकटानी सिटी का पोर्श एरिया है जहाँ पे फाकटानी के वेल्दी लोग रहते हैं। ये जो आप घर देख पा रहे हो राइट हैंड साइड पे, ये एक एक घर मिलियंस डॉलर का होगा, बहुत ही महंगे घर हैं इस एरिया के अंदर। और अब आपको मैं लेके जा रहा हूँ टूवर्ड्स द सी, द लास्ट पॉइंट ऑफ फाकटानी सिटी जहाँ से समंदर स्टार्ट हो जाता है। और सिटी के इस कोने पे समुद्र स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो पतली पतली नहर टाइप तो अंदर तक जाती है, बट जिसको प्रॉपर सी बोलते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और आज मैं देख पा रहा हूँ कि सनी डे का लोग यहाँ पे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, फिशिंग चल रही है और कुछ लोग तो यहाँ पे सन बाथ के लिए आए हुए हैं। नो डाउट बहुत ही अच्छा दिन है आज। तो दोस्तों ये थी फाकटानी सिटी, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ ओहोपे बीच की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत बीच है और मुझे आशा है कि आपको ये बीच जो है बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए चलते हैं ओहोपे बीच की तरफ। लेट्स गो।